क्वेश्चन नंबर 10, डाई एल्केल जिंक बनाने की विधि। तो डाई एल्केल जिंक कैसे बनाया जाता है उसको पहले समझेंगे। सबसे पहले तो उसकी खोज को समझते हैं कि उसकी खोज कहाँ हुई, कैसे हुई। तो डाई एल्केल जिंक, डाई डाई एल्किल और ये जिंक, ठीक है। डाई एल्किल जिंक जो है ये प्रथम कार्ब धात्विक यौगिक है, कार्ब धात्विक यौगिक। ये प्रथम कार्ब धात्विक यौगिक है जिन्हें 1849 में, 1849 में फ्रैंक फ्रैंकलैंड नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। फ्रैंकलैंड नामक वैज्ञानिक ने इसे खोजा था। तो ये जो है वह जब क्या कर रहे थे, वह जब जिंक के द्वारा एथिल आयोडाइड से आयोडीन का विस्थापन कर रहे थे। देखो ये एक जो है अजीब टाइप की घटना है। मतलब वो खोज किसी और चीज़ का कर रहे थे, वो एथिल रेडिकल बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्या? एथिल रेडिकल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने प्राप्त कर लिया डाई एल्केल जिंक, ठीक है। तो क्या किया कि 1849 में फ्रैंकलैंड ने इसकी खोज की। जब वह जिंक द्वारा एथिल आयोडाइड से आयोडीन का विस्थापन कर रहे थे, उस दौरान एथिल रेडिकल बना रहे थे, ठीक है। एथिल रेडिकल बना रहे थे और एथिल रेडिकल बनाते हुए उन्होंने बना लिया क्या, डाई एल्किल जिंक को बना लिया, ठीक है। डाई एल्किल जिंक को बना लिया। उसके बाद इसको इसको बनाने की विधि को देखते हैं। ये तो खोज हो गया, तो इस प्रकार से इसकी खोज हुई। उसके बाद बनाने की विधि को देखें। बनाने की विधि में डाई एल्किल जिंक कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में, जिंक की अभिक्रिया एल्किल आयोडाइड के साथ कराई जाती है, के साथ गर्म कराई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में जिंक की अभिक्रिया एल्किल आयोडाइड के साथ गर्म कराई जाती है, तब तो देखो ये तो उत्पाद प्राप्त होता है। जो कुछ बनता है ये जिंक के साथ आर जुड़ा और आई जुड़ा, ठीक, ये बना उत्पाद। इसकी डबल मात्रा ले लेते हैं यदि, तो आर जेड एन आई, ठीक है, वही है। और इसकी अभिक्रिया इसके उत्पाद को बढ़ा करके इसका आसवन कराया जाता है, ठीक है। जब इसका आसवन कराया जाता है, इस उत्पाद का जो कुछ प्राप्त हुआ ये उत्पाद है, तो इस उत्पाद का आसवन कराया जाता है। तो आसवन करवाने के बाद ये जो है दो बार है, जेड एन आई आर जेड एन आई, यही है। यहाँ से बॉन्ड टूटा, एक एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ। यहाँ से बॉन्ड टूटा, एक एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ। ये जो आर है जाकर के जेड से जुड़ गया, यानी कि आर टू जेड एन, ठीक। और उसके बाद बचा क्या, तो ये बचा, ये जो आई है इस जेड के साथ जुड़ जाता है, तो जेड एन आई टू, ठीक है। तो यहाँ से प्राप्त होता है एल्किल, डाई एल्किल जिंक। तो डाई एल्किल जिंक प्राप्त होता है। क्या बोल सकते हैं बनाने की विधि में, ये बोल सकते हैं कि डाई एल्किल जिंक कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में जिंक और एल्किल आयोडाइड को गर्म कराने के बाद प्राप्त किया जाता है। उसके उत्पाद को पुनः
लेकर के आसवन करके डाई एल्किल जिंक प्राप्त किया जा सकता है। ये बोल सकते हैं ये उसका उसकी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। उसकी रासायनिक अभिक्रिया के बाद इसमें बताया गया है कि डाई एल्किल जिंक को यदि की अभिक्रिया को यदि निर्वात में कराया जाता है, निर्वात मीन्स जहाँ पे वायु उपलब्ध ना हो उस स्थान को बोला जाता है निर्वात। तो जब इसकी अभिक्रिया निर्वात में होती है तो ये जो है बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। इसकी मात्रा जो होती है, प्राप्त करने की जो मात्रा है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। उसके बाद इसमें ये बताया गया है उसके कुछ गुण और उसके कुछ प्रकृति को बताया गया है डाई एल्किल जिंक के। तो गुण और प्रकृति को समझते हैं कि डाई एल्किल जिंक जो होता है वो रंगहीन, डाई एल्किल जिंक जो होता है वो रंगहीन वाष्पशील द्रव होता है, रंगहीन वाष्पशील द्रव होता है। डाई एल्किल जिंक जो होता है वो रंगहीन वाष्पशील द्रव होता है। और ये जो होता है इसका क्वथनांक जो होता है निम्न होता है। जब इसका क्वथनांक निम्न होता है तो निम्न होने पर मेथिल और एथिल में कितना तापमान होता है, तो CH3 2। देखो ये R लिखा है उसके स्थान पर CH3 लिखा हुआ है, 2 है तो ट्वाइस, ठीक है ZN। इसका टेम्परेचर बताया गया है 319 केल्विन। और C2H5 ZN में इसकी बताया गया है 391 केल्विन ताप बताया गया, यानी कि जो कि बहुत ही निम्न ताप है, ठीक है। ये तो केल्विन में बताया गया, लेकिन इसे अनसेल्सियस में करें तो ये हो जाएगा बहुत ही कम, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो क्वथनांक होता है वो निम्न होता है, ये बताया गया है। उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये जो होता है हवा में ज्वलनशील होता है। जब ज्वलनशील होता है इस कारण से, ये जो ज्वलनशील होता है इस कारण से कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराई जाती है। आप लोगों को पता होगा जब प्रोसेस कराए रहे थे तो कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में बोले थे, ठीक है। मतलब ये बोला जा रहा है कि ये जो होता है हवा में ज्वलनशील होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में इसका प्रोसेस कराया जाता है, ये ज्वलनशील होता है। और ये जो होता है त्वचा को जला सकता है, त्वचा को जला देने की इसमें क्षमता होती है, त्वचा को जला देने की क्षमता किसमें होती है, डाई एल्किल जिंक। उसके बाद आगे इसमें देखते हैं, संश्लेषित, ठीक है, संश्लेषित उपयोग। जब इसका उपयोग मुख्य रूप से 3 तत्वों को बनाने में किया जाता है। वैसे तो डाई एल्किल जिंक का कुछ विशेष उपयोग नहीं है, लेकिन इसका उपयोग पहला चतुर्थक कार्बन युक्त परमाणु, चतुर्थक कार्बन युक्त परमाणु हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए किया जाता है। तो हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए किया जाता है तो इसमें देखना प्रोसेस कुछ इस प्रकार है। ये जो है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है, तृतीयक ब्यूटीन क्लोराइड, जिसकी अभिक्रिया डाई एल्किल जिंक के साथ कराई जाती है। तो डाई एल्किल जिंक R2 के स्थान पर लिख देते हैं इसको CH3 ट्वाइस ZN। इसकी जब अभिक्रिया होती है तब नियोपेंटेन प्राप्त होता है। ये जो तीन है उससे एक आकर के जुड़ जाता है तो ये 4 हो जाता है। CH3 जो 3 है उसके स्थान पर ये जो 2 है उसमें का 1 चला गया तो कितना बचा, कितना हो गया, 4 हो गया। उसके साथ कार्बन जुड़ा ही है, प्लस ZN के साथ
Zn के साथ जुड़ जाता है Cl, और इससे बचा हुआ एक CH3, CH3 और Cl, ये जुड़ जाता है, नियोपेंटेन प्राप्त होता है। तो नियोपेंटेन प्राप्त होता है, ये बोल सकते हैं जब तृतीयक ब्यूटीन क्लोराइड की अभिक्रिया डाई एल्किल जिंक के साथ कराई जाती है तब नियोपेंटीन प्राप्त होता है। ठीक है, नियोपेंटीन प्राप्त होता है। ये चतुर्थक कार्बन युक्त हाइड्रोजन, और इसमें ये भी बताया गया है चतुर्थक, इसलिए चतुर्थक कार्बन परमाणु इसलिए लिया गया है क्योंकि ये जो होता है वो प्रथम और द्वितीयक के साथ एल्किल आयोडाइड, ठीक है, प्रथम एवं द्वितीयक एल्किल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया नहीं करता। कौन ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डाई एल्किल जिंक जो होता है वो प्रथम एवं द्वितीयक प्रथम एवं द्वितीयक एल्किल एल्किल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया नहीं करती, एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया नहीं करती, इस कारण से चतुर्थक कार्बन परमाणु युक्त हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए चतुर्थक कार्बन को लिया गया है, ब्यूटीन को लिया गया है। ठीक है, तो ये बोला गया है। उसके बाद दूसरा कीटोन बनाने में, तो कीटोन बनाने के लिए देखते हैं आगे। कीटोन बनाने में इसमें बोला गया कि डाई एल्किल जिंक की अभिक्रिया, डाई एल्किल जिंक की अभिक्रिया अम्ल क्लोराइड के साथ RCOCl, ये जो है अम्ल क्लोराइड है, ठीक है, इस अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तब हमें प्राप्त हो जाता है, यहाँ से देख सकते हैं R है, ZnR, ये कुछ ऐसा प्रोसेस है, और ये जुड़ा हुआ है RCOCl। अब यहाँ से देखो, यहाँ से बॉन्ड टूटता है, CL अलग हो जाता है, यहाँ से बॉन्ड टूटता है, R अलग हुआ, CL अलग हुआ, ये R जो है इसके साथ जुड़ गया, तो ये बोल सकते हैं RCOR प्लस, और ये जो है इससे जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं RZnCl, ठीक है, तो ये तो हमें प्राप्त हो जाता है कीटोन। तो ये बोल सकते हैं जब डाई एल्किल जिंक की अभिक्रिया, जब डाई एल्किल जिंक की अभिक्रिया अम्ली क्लोराइड के साथ कराई जाती है तब डाई डाई मेथिल सॉरी कीटोन प्राप्त होता है, तब कीटोन प्राप्त होता है, डाई एल्किल कीटोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा तीसरा कोटी रिफॉर्मेटस की अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसका अलग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ये जानना इम्पॉर्टेंट है। अल्फा ब्रोमो एस्टर, अल्फा ब्रोमो एस्टर की अभिक्रिया कार्बोनिल कार्बोनिल यौगिक के साथ कराई जाती है, कार्बोनिल यौगिक यानी कि ये बोल सकते हैं कार्बोनिल यौगिक यानी कि एस्टर और कीटोन, कार्बोनिल यौगिक यानी कि एस्टर और कीटोन। जब अल्फा ब्रोमो एस्टर की अभिक्रिया जब अल्फा ब्रोमो एस्टर की अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिक यानी कि एस्टर और कीटोन की अभिक्रिया
मिश्रण को बेंजीन में कराई जाती है, इसकी बेंजीन के विलायक में इसकी अभिक्रिया कराई जाती है, तब बीटा ब्रोमोएस्टर प्राप्त होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर प्राप्त होता है, हाइड्रोक्सी एस्टर प्राप्त होता है, ठीक है। अल्फा ब्रोमो एस्टर की अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिक यानी कि एस्टर और कीटोन की के मिश्रण को के बीच के मिश्रण को बेंजीन के विलायक में अभिक्रिया कराई जाती है, तब बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर प्राप्त होता है। ये तो बेसिक रूप से हुआ, लेकिन जब इसका प्रोसेस देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, सो डोंट वरी। तो जैसे कि बोला गया है कि ब्रोमो एस्टर और उसमें जिंक को भी मिलाया जाता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ब्रोमो अल्फा ब्रोमो एस्टर CH2COOC2H5 की अभिक्रिया, ये जो है अल्फा ब्रोमो एस्टर है, ठीक है। तो अल्फा ब्रोमो एस्टर की अभिक्रिया जिंक से कराई जाती है, जिंक के साथ कराई जाती है या जिंक की उपस्थिति में कराई जाती है। अल्फा ब्रोमो एस्टर की अभिक्रिया जिंक की उपस्थिति में बेंजीन विलायक में कराई जाती है, बेंजीन विलायक में कराई जाती है, तब अब ये जो Br है उसके साथ Zn जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा ZnBr और बाकी जो है सेम रहेगा, वही CH2COOC2H5। तो ये जो है इंटरमीडिएट बन गया, माध्यमिक यौगिक, इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्ब यौगिक, ठीक है। तो ये जो है इंटरमीडिएट कार्बनिक यौगिक जो होता है वो प्राप्त होता है, कार्ब यौगिक प्राप्त होता है। तो इस कार्ब यौगिक को फिर से लेकर के एस्टर तथा कीटोन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ये हो जाएगा, ये Zn है, Br उससे जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा CH2COOC2H5 की अभिक्रिया एस्टर और कीटोन कार्बोनिल यौगिक के साथ कराई जाती है, यानी कि CH3 और CH3CO के साथ कराई जाती है। तब यहाँ से देखना ध्यान से, ये जो CH3 लिखा हुआ है इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, CH3 के साथ C जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, उसके साथ नीचे में ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, ये भी रखना। यहाँ से बॉन्ड टूटता है, इनके बीच जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाता है, सिंगल बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये जो Zn Br है वो ऑक्सीजन से जा करके जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा O, ZnBr इससे जुड़ा, और उसके बाद जो बचा हुआ है ये CH2COOC2H5 ये जा करके कार्बन से जुड़ जाता है, यानी कि ये हो जाएगा CH2COOC2H5 इससे जा करके जुड़ गया, ठीक है। और ये जो प्राप्त हुआ है, ये जो कार्बनिक यौगिक जो प्राप्त हुआ है, इस कार्बनिक यौगिक की फिर से इसकी अभिक्रिया जल, इसका जो अम्ल होता है वो जल के जो हाइड्रोजन होता है उसको अवशोषित कर लेता है, ठीक है। तो जल में हाइड्रोजन का अवशोषण, इसके अम्ल जो होता है वो हाइड्रोजन का अवशोषण कर लेता है, इस प्रकार से ये CH3 ये लिखा हुआ है, CH3 नीचे में जो लिखा हुआ है, ये जो ZnBr है उसको हटा करके उसके स्थान पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो ये OH,
ठीक है, और उसके बाद वही है CH2COOC2H5, ये बन जाता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ठीक है, तो रिफार्मेल्टस की अभिक्रिया में क्या बोला गया है वो समझना इम्पोर्टेंट है। अल्फा ब्रोमो एस्टर में कार्बनिल यौगिक को जब मिश्रण किया जाता है तो उसमें जिंक भी उपस्थित होता है। जिंक ये जो है, चलो ये कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, अल्फा ब्रोमो एस्टर में जिंक को मिलाया जाता है। जिंक मिलाने के बाद उसमें कार्बनिल यौगिक यानी कि कीटोन या कार्बोक्सिलिक समूह, कीटोन को डाला जाता है। ठीक है, जब कीटोन को डाला जाता है ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो बेंजीन के विलायक में होता है। ठीक है, जब इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने के बाद जो प्राप्त होता है वो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर जो होता है वो प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से रिफॉर्मेल्टस की अभिक्रिया, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। सो थैंक यू यार, देखते रहो और थोड़ा टेक्निकली बारीकी से देख करके समझा करो। ठीक है, समझ नहीं आता है कमेंट बॉक्स में जाओ पूछो। सो थैंक यू।